हाय जे स्वाति आज एक छोटा सा गार्डन टूर मैं आपको देने जा रही हूँ कि हमारे गार्डन में इस टाइम पर क्या क्या लगा है मैंने क्या क्या काम किया है वो सब मैं आपको दिखाती हूँ चलिए यहाँ पर मेरा फ्लारिंग आ, कप आ, है यहाँ पर ये यह पूरे फ्लार्स लगे हैं यहाँ पर मेरे पास इस टाइम पे पटूनियाँ लगे हुए हैं जो कि रेक्टेंगुलर बास्केट्स में है अभी आइस फ्लावर भी है लेकिन आइस फ्लावर जो है वो अभी बालकनी में रखे हुए हैं वो मुझे ऊपर लेके आने हैं ये है गुलदाउदी गुलदाउदी ये सारा मेरा कटिंग से उगाया हुआ है पूरा का पूरा गुलदाउदी के जितने प्लांट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब कटिंग से लगे हुए गुलदाउदी हैं इस टाइम पे नीचे से गुलदाउदी और आ गए हैं तो ऊपर वाले कट हो जाएंगे यहाँ पर है पेंज़ी हमारा गजेनिया मैरीगोल्ड सिनेरिया और यहाँ पर फिर से पेटूनियाज हैं पेटूनिया इस टाइम पर बहुत सारे मेरे पास में आए हैं मल्टीपल वैरायटी के पेटूनियाज इस टाइम मेरे पास लगे हुए हैं यहाँ uh, एक रेक्टेंगुलर बास्केट्स में मेरे पास पेटूनिया है और डायंथस है डाइंथस भी इस टाइम पर बहुत सारा मेरे पास है यहाँ पर हमारे पास था रुएलिया में अभी फ्लारिंग नहीं आई है पुराने गुलदाउदी के अभी भी कुछ प्लांट पर फ्लारिंग है और कुछ पे बर्ड्स हैं ये है, है प्रमरोज और यहाँ पर फिर से डायंथस है ये डेलिया है डेलिया भी आ, जो है अब ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है इसमें एक दो तो बर्ड्स अभी है ये बाहर की मैंने सारी कटिंग कर दी थी और ये जेड की छोटी सी टोपियारी बनाने की कोशिश की गई थी और यहाँ पर कार्डबोर्ड पाम था ये है सारे छोटे वाले प्लांट्स जो आ, जैसे सीड से उगे हुए प्लांट्स हैं छोटे छोटे प्लांट्स हैं अभी ये भी पेटूनिया पेंजी के प्लांट्स हैं और ये भी थोड़े ही टाइम बाद ये ग्रो कर जाएंगे मेरा मतलब ये है कि जब तक पुराने वाले बनेंगे तब तक ये ग्रो कर जाएंगे ये है कैलेंडुला कैलेंडुला के भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं और ये दूसरे प्लांट्स हैं जो छोटे छोटे लगाए गए हैं इसमें भी मल्टीपल वैराइटीज़ हैं कैलेंडुला है, है। यहाँ भी आ, मेरे पास पेटूनिया बेंजी और इनसे सारे विंटर फ्लारिंग के छोटे वाले हैं जो थोड़ा सा लेट फ्लारिंग करेंगे ये है सेलोसिया सेलोसिया के भी नए प्लांट्स रेडी हो रहे हैं यहाँ पर स्नैक प्लांट जो है वो छोटे छुट छोटे गमलों में बहुत सारा लगाया है हॉली हॉक भी यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ देखिए ये यह है हमारा अमरूद का पेड़ और साथ में यहाँ पर लगे हैं डायंथस और रजनीगंधा की मैं कटिंग कर चुकी हूँ रजनीगंधा अब दोबारा से फ्लरिश होगा ये रेन लिली है रेन लिली भी अब फ्लरिश होगा थोड़े टाइम में अपराजिता की भी कटिंग हो गई है और बोगनविला भी जो है अब वापस पतियाँ निकाल रहा है ढेर सारी अभी फ्लारिंग इस पर होगी यहाँ पर हमारे पास में है पालक और मेथी पालक भी काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी हुई है लंब लंबे लंबे इसके बत्ते आए हैं काफ़ी फैल के पालक निकली है पालक धनिया है ये आ, और यहाँ पर मेथी है तो अभी इस टाइम पे मेरे पास गार्डन में सब्जियों में लगा हुआ है पालक मेथी धनिया ब्रोकली बैंगन मिर्च टमाटर और यहाँ पर टमाटर आप देखिए कितने सारे और कितने बड़े बड़े आए हैं बहुत अच्छे टमाटर आए हैं मिर्चें भी मैं आपको दिखाती हूँ ध्यान से देखिए हर एक प्लांट पे हर एक ब्रांच पे ढेरों मिर्चें आई हुई हैं बहुत अच्छी लंबी मिर्चें ये आ रही हैं ये पूरा जो सेक्शन है ये टमाटर का है यहाँ पर जो है काफ़ी सारे टमाटर हैं प्लस यहाँ मैं कंपोस्टिंग करती हूँ जो मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट है वो यहाँ पर डालती हूँ ये है नींबू नींबू का पेड़ पे भी बहुत सारे नींबू इस टाइम पर लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं एक एक ब्रांच पे कितने सारे नींबू आए हुए हैं बहुत सारे नींबू इस बार लगे हैं इस बार अच्छा अचार बनेगा और ये देखिए ये डी सेक्शन में Uh, अभी पर्पल हार्ट की कटिंग मैंने कर दी है सब की कटिंग इस टाइम पे हुई है विडेलिया को भी खाली कर दिया है विडेलिया भी कटिंग कर दी है और ताकि ये अच्छे से ग्रो हो जाए हिबिस्कस का भी रिपोर्टिंग मैंने बताया था वो uh, कट करके रिपोर्ट कर दिया है यह uh, सब कुछ जो है ना रीयूज़ किया है जो चाय पीने वाले सकोरे हैं दिए हैं सब में स्नैक प्लांट लग गया है ये करवा था करवे को भी पेंट करके उसमें होल करके फिर स्नैक प्लांट इसमें लगा दिया है स्नैक प्लांट छोटे छोटे में भी लग जाता है तो अच्छे से चलता है ये हमने मूंगफली के छिलकों के साथ में आ, मिट्टी बनाई है और ये भी बहुत न्यूट्रिशियस होती है काफ़ी अच्छी होती है ये मिट्टी यहाँ पर लीफ कंपोस्ट सुखा के रखी है लीफ कंपोस्ट भी रेडी है और ये देखिए चूरा होकर अब बिल्कुल यूज़ करने के लिए तैयार है एकदम रेडी हो गई ये है इंडोर प्लांट्स यहाँ पर आ, टर्टल वाइन है ऑक्सीगार्डियम है सोंग ऑफ इंडिया है एग्लोनेमा है यह देखिए यहाँ पे सिंगोनियम है और यहाँ कुछ हमने बॉन्साई बनाने की कोशिश की है ये है हमारा पीपल का पेड़ नीम का पेड़ और यहाँ पर जेड है जो अभी ट्रेनिंग पीरियड में है जेड को ट्रेन करना पड़ता है ताकि उसकी जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर की साइड जाएं तो उसको बांध के ट्रेनिंग पे रखा है यहाँ सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट जो पत्ते हैं वो डाल के रखे ताकि और प्रोड्यूस कर सके ये भी सब कटिंग्स लगाई हुई हैं यहाँ सॉन्ग ऑफ इंडिया चल पड़ा है और फिग में भी मुझे पत्ती दिखाई पड़ रही थी तो फिग भी चल पड़ा है यहाँ सारी जो कटिंग्स है बहुत सारी कटिंग्स मैंने लगाई हैं और उसमें से काफ़ी हद तक वो चल पड़ी है ड्रेसिना की कटिंग्स लगी है यहाँ पर यह है धतुरे का पेड़ धतूरे का भी अपने आप उगाया था तो मैंने उसको रख लिया था यहाँ पर ये यह सहजन है जिसकी कटिंग हो गई है पत्ते इसके नए निकाल रहा है ये मधुमाल थी चीकू दोनों की कटिंग कर दी थी तो ये भी अब ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर आ, ये देखिए ये हॉली हॉक लगाए हैं पीछे से जब ये हॉली हॉक थोड़े लंबे हो जाएंगे तो ये ऊपर से दिखाई देंगे पीछे से किस में लगे हैं ये नहीं दिखाई देगा और यहाँ जो सरसों है उसके बीज बनाने के लिए इसको रखा है और सरसों की फलियाँ काफ़ी अच्छे से आ गई हैं और यहाँ पर मूली के भी दो मूली यहाँ पर छोड़ी थी ताकि इसके बीज बना सके और इन बीजों को फिर हम नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे तो मूली के भी दो मूलियाँ सीडिंग के लिए रखी थी और उस पर भी वो अब सीड बना रही है प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पर ब्रोकली और बहुत सारे ब्रोकली है बैंगन है और टमाटर के प्लांट्स लगे हैं इसी में ये अच्छे से ग्रो कर जाएंगे तो उसके बाद में हम इनको यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं तो ये था मेरा छोटा सा गार्डन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर करना बिल्कुल